हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी बॉली टेली अपडेट्स। यहाँ आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से चटपटी अपडेट्स मिलते रहेगी। अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिग बॉस के घर आई मीडिया ने मनारा की खोली पोल। घर आई मीडिया के सामने अंकिता ने खेला ब्लेम गेम। आखिरी नॉमिनेशन में कौन होगा घर से बेघर? अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बिग बॉस के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोई मनारा चोपड़ा। दरअसल बिग बॉस के घर में आई मीडिया ने कई सारे सवालात किए और इल्जाम भी लगाए घर के सदस्यों पर। अब इसी में बारी मनारा की थी। मीडिया ने मनारा को सीधा सीधा हिपोक्रेट कहा। कई सारी चीज़ों को लेकर मनारा को एक एक याद दिलाई मीडिया ने, कैसे मनारा ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया था और कहा कि मनारा का एक बड़ा किरदार भी रहा है अंकित और विकी की तकरार में। यानी मीडिया ने ये भी कहा है कि अंकित और विकी की लड़ाई की वजह मनारा भी रही है कई बार। ये सब जानते हुए भी मनारा वही चीज़ों को रिपीट किया है। और इसी के बाद मीडिया ने मनारा को ये तक कह दिया कि तुमने मुनव्वर का बहुत ही इस्तेमाल किया है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और फिनाले वीक तक पहुंचने के लिए। अब इन सब सवालों के जवाब से भागते हुए नजर आई है मनारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद मनारा रोते हुए भी नजर आई है और खुद को डिफेंड करते हुए भी दिखाई दी है मनारा। अगर मनारा की बिग बॉस के घर की जर्नी देखा जाए तो मीडिया के सवाल और इल्ज़ाम कई हद तक सही भी दिखाई देते हैं। मनारा ने कई गलतियां की है, कई बार मुनव्वर का इस्तेमाल भी किया है और दूसरों का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया है, लेकिन इन आखिरी 3 हफ्तों से मनारा पर काफ़ी पलटवार हुआ है। मनारा ने जो बोया है वही पाया है, लेकिन यहाँ सिर्फ मनारा ही नहीं गलत हो जाती है, अंकिता लोखंडे पर भी ये सवाल आने चाहिए थे। अंकिता ने भी कई बार लाइन क्रॉस करी है। अब बात अंकिता लोखंडे की करें तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अंकिता की बारी आती है तो उन्होंने सीधा सीधा मुनव्वर के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगाते हुए खुद की गलतियों को छिपाते हुए नजर आई है। इसी बीच अंकिता और मुनव्वर के बीच बहस भी हुई है। अंकिता का कहना है कि उन्होंने मुनव्वर के साथ लॉयल रही है और फ्रेंडशिप निभाई है, लेकिन यहाँ मुनव्वर ने कोई फ्रेंडशिप नहीं निभाई है और यही बात पहले भी अंकिता ने कई बार दोहराया है और एक मुनव्वर के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रही है अंकिता और सबको ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है कि अंकिता मुनव्वर किसी का सच्चा दोस्त नहीं है। अब यही सेम बातें और अपना नैरेटिव मुनव्वर के खिलाफ मीडिया के सामने भी रखा है अंकिता ने। अंकिता की डिक्शनरी में लॉयल्टी का मतलब शायद कुछ और ही है लगता है। अंकिता जैसे लॉयल दोस्त मिल जाए तो मजे लेने वाला दुश्मन की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब जब मुनव्वर पर इल्ज़ाम लगे तब तब अंकिता ने मज़े लिए हैं। आयशा ने बॉडी शेमिंग करी मुनव्वर की, तभी भी अंकिता ने मजे लिए। आयशा की एक तरफा बात सुनकर अंकिता ने मुनव्वर के खिलाफ गलत शब्द का भी इस्तेमाल किया। यही वो लॉयल फ्रेंड है जिसको मुनव्वर की बुराई सुनने में बड़ा ही मजा आता था। जब से मुनव्वर फाइनल वीक में पहुंच गया है तब से मुनव्वर के खिलाफ तभी और ज्यादा गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अंकिता ने और अब खुद को लॉयल फ्रेंड कह रही है। ग्रैंड फिनाले की बात करें तो ये होगा 28 जनवरी 2024 को और आप सभी को पता चल ही गया होगा ग्रैंड फिनाले शुरू होगा शाम 6 बजे से और विनर का नाम रात 12 बजे अनाउंस किया जाएगा। और अब बात करें मिड इविक्शन की तो फिलहाल घर में 6 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, लेकिन यहां आगे सिर्फ 5 ही जाएंगे। अब होगा एक इविक्शन। घर से बेघर होने की तलवार अरुण और विकी पर लटकी हुई है। अब देखा जाए तो बिग बॉस का ये पहला सीजन है जो कि एक्सटेंड नहीं हुआ है। ये सबसे छोटा सीजन रहा है बिग बॉस की हिस्ट्री का। अब इसी पर मिड इविक्शन को लेकर बड़ी खबर आई है सामने। बिग बॉस ने खुद अनाउंस कर दिया है मिड इविक्शन होगा और खुद बिग बॉस ने ही बचे हुए सारे सदस्यों को कर दिया है नॉमिनेट। अब इसी के बाद एक सदस्य को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कौन होगा वो, अरुण या विकी? यहाँ नाम अरुण महाशेट्टी का निकल कर आ रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।